नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। बिसाड़ी पूजा को लेकर मंदिरों में डलिया चढ़ाने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूरा अंग क्षेत्र हुआ भक्तिमय। सनोखर में झारखंड के युवक की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, तीन अपराधी गिरफ्तार। सुबह के समाज कल्याण मंत्री पहुंचे भागलपुर, विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर लाने के दिए निर्देश। भागलपुर में मानव तस्करी का शिकार होते तीन युवतियां हुई बरामद, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। और गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबे युवक का शव 24 घंटे बाद हुआ बरामद, परिजनों में मचा कोहराम। और अब खबरें विस्तार से। विषहरी पूजा को लेकर शनिवार को भागलपुर के चंपानगर विषहरी मंदिर समेत शहर के तमाम विषहरी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। पूरे विधि विधान के साथ मां मनसा विषहरी की पूजा भक्तों ने की, जबकि सभी मंदिरों में हजारों की संख्या में महिलाओं ने डलिया चढ़ाया और मां मनसा विषहरी से अपने सुहाग एवं परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। पूरा मंदिर परिसर एवं पंडाल श्रद्धालुओं से भरा रहा और सती बिहुला विषहरी माता के जय घोष से गूंजता रहा। एक ओर जहां भक्त पूजा अर्चना करते दिखे, वहीं पूजा पंडाल समेत पूरे शहर में माहौल भक्तिमय दिखाई दिया। चंपानगर विषहरी मंदिर में कतारबद्ध होकर महिलाओं ने मां मनसा देवी की पूजा अर्चना की और डलिया चढ़ाया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मंदिर एवं पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। इस दौरान शांति समिति और पूजा समिति के सदस्य भी मुस्तैद दिखे। गौरतलब हो कि भगवान शिव के भक्त चंद्रधर सौदागर से अपनी पूजा कराने के लिए भगवान शिव की मानस पुत्री मां मनसा देवी ने कहा तो चांदो सौदागर ने मनसा देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया और इसी से क्रोधित होकर चांदो सौदागर के सभी पुत्रों को मनसा देवी के आदेश पर सर्पदंश से मृत्यु हो गई। लेकिन जब चांदो सौदागर के पुत्र बाला लखेंद्र की मृत्यु सर्पदंश से हुई तो उनकी पत्नी सती बिहुला ने अपने अथक प्रयास और सतीत्व के बल पर ना सिर्फ अपने सुहाग की रक्षा की बल्कि चांदो सौदागर से मनसा देवी की पूजा भी कराई। तभी से बाला बिहुला और विषहरी से जुड़ी लोक गाथा के आधार पर विषहरी पूजा की शुरुआत हुई। पूजा सुबह 6 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ है। पूजा 6 बजे से सरकारी डलिया चढ़ा, उसके बाद एकदम चंदा रहा और डलिया चढ़ते जो है बलि प्रदान का कार्यक्रम हुआ। बलि प्रदान के बाद अब जो है मंजूषा आने का कार्यक्रम होगा, उसके बाद बारात घूमेगा। बारात घूमने के बाद जो है विवाह होगा। विवाह होने के बाद फिर माला डांस होगा। यह मंदिर बहुत ही पुराना है, लगभग 5000 साल से इस मंदिर पे मनसा देवी की पूजा हो रही है। जो इस मनसा पूजा का उद्गम और उत्पत्ति स्थल यही है, यहीं से सारे देश में वृतांत के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। जो यहाँ मनसा देवी पूजा का हर देश हर राज्य के लोग यहाँ आते हैं, हर घरों में कुछ न कुछ मेहमान लोग आ जाया करते हैं। और एक मान्यता है कि मनसा देवी का जो मन से पूजा करते हैं उसके मनोती भी अवश्य पूरी होती है। कहलगांव अनुमंडल के सनोखर थाना क्षेत्र में 9 अगस्त की रात झारखंड के युवक मोहम्मद कमरुल हसन की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका खुलासा भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने किया। हत्याकांड में शामिल तीन अपराधियों को पुलिस ने लूटे गए मोटरसाइकिल, मोबाइल और हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि हत्याकांड के उद्भेदन के लिए कहलगांव एसडीपीओ रेणु कृष्ण के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने सनहौला के भुवनचक गांव में छापेमारी कर विपिन कुमार और संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया, जबकि कजरैली से संजय महतो को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने कहा कि छापेमारी के दौरान घर से मृतक का लूटा गया मोबाइल और मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसएसपी ने कहा कि लूटपाट की घटना को अंजाम देने के दौरान अपराधियों ने कमरुल हसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनोखर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार, सनौला थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार और साखुन थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार के अलावा तकनीकी शाखा के कर्मी मौजूद थे। सनोखर थाना अंतर्गत दिनांक 9/8/19 को रात्रि में कमरुल हसन नामक व्यक्ति की गोली मारकर अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में जो मृतक के पास से एक उसका जो लूटा हुआ मोटरसाइकिल उसका मोटरसाइकिल लूट लिया गया था तथा उसका एक मोबाइल भी लूट लिया गया था, जिसके आधार पे मृतक का मौसेरा भाई जिसका नाम है मोहम्मद इमरान, उसके द्वारा कांड सनोखर थाना कांड संख्या 101/19 दर्ज कराया गया था। अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध यह मामला दर्ज कराया गया था और यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, इसमें सही अपराधियों की गिरफ्तारी और उनका पहचान। तो SDPO कहलगांव के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था जिसमें सनोखर SHO, सनहौला SHO और अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। बिहार के समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह शनिवार को भागलपुर पहुंचे। मंत्री ने सर्किट हाउस में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा कर सभी पदाधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। अपने भागलपुर दौरे पर मंत्री ने शहर के 5 आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के साथ नियमित रूप से बच्चों को ड्रेस में आंगनबाड़ी केंद्र आने का निर्देश अधिकारियों एवं केंद्र के संचालक को दिया। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाकर बच्चों एवं जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंचाए। इस मौके पर महिला विकास निगम ADSS ICDS, बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक सुरक्षा कोषांग समेत विभाग के कई पदाधिकारी के अलावा सभी CDPO मौजूद थे। भागलपुर की 3 बहनें शुक्रवार को मानव तस्करी का शिकार होते बाल बाल बच गई। तीनों सगी बहनों को पड़ोस के ही रहने वाले मोहम्मद गाजी दिल्ली ले जाने की फिराक में था, लेकिन उसके मंसूबों को लड़की के परिजनों ने नाकाम कर दिया। दरअसल ततारपुर थाना क्षेत्र के आसानंदपुर निवासी मोहम्मद नकी हुसैन की पुत्री रिश्तेदार के घर हो रही शादी की खरीदारी करने बाजार गई थी, जहां बाजार में उसकी मुलाकात मोहल्ले के ही मोहम्मद गाजी से हुई। उसके बाद गाजी तीनों बहनों को लेकर कार से घंटाघर पहुंचा, जहां जूस में नशे का दबाव मिलाकर गाजी ने तीनों बहनों को पिला दिया, जिसके बाद तीनों लड़की बेहोश हो गई। वहीं बेहोश होते ही गाजी तीनों लड़की को लेकर नौगछिया चला गया। इधर देर शाम तक तीनों लड़की के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद लड़की के मामा जियाउल आलम ने अपने पड़ोसी गाजी की पत्नी से फोन पर बात की, जहां गाजी की पत्नी ने तीनों बहनों को अपने पति के साथ नौगछिया के जगतपुर में होने की बात कही। वहीं लड़की का पता मिलते ही सभी परिजन नौगछिया पहुंचे, जहां एक घर से आरोपी मोहम्मद गाजी और तीनों लड़की को बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान लड़कियों ने गाजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पिटाई करने की बात कही। पीड़ित लड़की ने बताया कि गाजी की पत्नी दिल्ली में रहकर ब्यूटी पार्लर चलाती है और वह हम तीनों बहनों को दिल्ली ले जाने की फिराक में था, लेकिन जब हमने मना किया तो हमारे साथ मारपीट करने लगा। आशंका व्यक्त की जा रही है कि गाजी तीनों लड़कियों की तस्करी कर देह व्यापार कराने के उद्देश्य से दिल्ली ले जाने वाला था। वहीं परिजनों ने मोहम्मद गाजी को पकड़कर ततारपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर तीनों बहनों को मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल भेज दिया, साथ ही पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। ये बच्चों को लेके मतलब कि तस्करी के मतलब बाहर दिल्ली वगैरह लेके जाने का फिर हम लोग खोजते खोजते हम लोग को पता चला कि वहाँ पर यही है, कुछ पता चला हम लोग को सूचना मिला, तो हम लोग वहाँ बच्चे के मतलब गए थे बच्चे लोग को रोड पर रोड के किनारे जगह के किनारे में वहाँ पर आगे मतलब देखे पाए और वो आरोपी जो है ना छोड़ करके भाग गया। हम लोग शॉपिंग करने गए थे ना, ये शादी का माहौल था तो वही शॉपिंग हम लोग करने गए थे ना, तो मोहम्मद गाजी खान ने हम लोग को फुसला के लेके वहाँ गए नौगछिया से, फिर हम लोग को दिल्ली लेने जाने वाले थे, काफ़ी कुछ जूस पिलाए था मोहम्मद गाजी। भागलपुर के मानिक सरकार गंगा घाट पर शुक्रवार को गंगा स्नान करने गया युवक नदी में डूब गया। काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को SDRF की टीम ने शनिवार को गंगा से बरामद कर लिया है। मृतक युवक की पहचान मुंदीचक गरैया निवासी 21 वर्षीय रंजीत कुमार के रूप में हुई है। दरअसल विषहरी पूजा को लेकर मृतक रंजीत कुछ महिलाओं के साथ गंगा जल भरने मानिक सरकार घाट गया था, जहाँ स्नान करने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और पानी के तेज बहाव में वह बह गया, जिसके बाद महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शुक्रवार से गोताखोर और SDRF की टीम ने गंगा में सब की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वहीं शनिवार की सुबह SDRF की टीम ने गंगा घाट से आधा किलोमीटर की दूरी से सब को बरामद किया। घटना को लेकर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए Silk TV।
ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वैरी सावन फिल्म से चर्चा में आए और अंगिका भाषा में बनी पहली फिल्म निर्माता निर्देशक कृपा शंकर शुक्ल का देहांत 76 वर्ष की उम्र में गुरुवार को अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गया। वह पिछले 3 वर्षों से बीमार चल रहे थे और अचानक तबियत बिगड़ जाने के बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे। अंगिका भाषा में बनी पहली फिल्म खिस्सा चांदों के निर्माता निर्देशक कृपा शंकर शुक्ल ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और अंग क्षेत्र के कलाकारों के प्रेरणा स्रोत रहे। बिहुला बिसेरी की कहानी पर आधारित खिस्सा चांदो काफी चर्चित रही और कलाकारों को भी एक नई पहचान मिली। कृपा शंकर शुक्ल के निधन की खबर सुनकर कला एवं फिल्म जगत के साथ समाजसेवियों व्यवसायियों में शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर हुआ। वहीं भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद, भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित कुमार पांडे समेत कई लोगों ने कृपा शंकर शुक्ल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भागलपुर के कहलगांव में जीएसटी 9 का वार्षिक विवरणी भरने एवं जीएसटी दाखिल करने में व्यवसायियों को होने वाली समस्या समाधान को लेकर शनिवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य कर संयुक्त आयुक्त दिवाकर प्रसाद, राज्य कर सहायक आयुक्त कृष्ण मोहन सिंह एवं योगेंद्र शर्मा ने व्यवसायियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से संबंधित कई जानकारी दी और समस्या समाधान भी बताया। इस दौरान व्यापारियों ने अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से जीएसटी से संबंधित जानकारी ली। इस मौके पर गोपाल टेकरीवाल, ब्रजेश शाह, आलोक शर्मा, देवकी नंदन शर्मा, श्रवण चौधरी समेत कई व्यवसायी एवं अधिवक्ता भी मौजूद थे। ड्यूटी से गायब रहने और बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले 8 कर्मचारियों से शनिवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने शोकॉज किया है। कर्मचारियों को शोकॉज का जवाब 3 दिनों के अंदर देने को कहा गया है। दरअसल शुक्रवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने प्रशासनिक भवन स्थित 3 विभागों का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार को कई कर्मी बिना किसी सूचना के कार्यालय से गायब मिले थे, जिसके बाद रजिस्ट्रार ने RTI, इंजीनियरिंग और NSS शाखा की उपस्थिति पंजी को जब्त कर लिया था और शनिवार से कर्मियों को कुल सचिव कार्यालय में आकर हाजिरी बनाने का निर्देश दिया था। वहीं NSS ऑफिस की साफ सफाई को लेकर रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर दीपो महतो को सख्त दिशा निर्देश दिया है। रजिस्ट्रार ने कहा कि कार्य में लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भागलपुर BN कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर को हटाने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से छात्र अनशन पर है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में अनशन पर बैठे छात्रों ने प्राचार्य पर कई आरोप लगाया है। वहीं अनशन पर बैठे छात्र रोहित कुमार, सत्यम कुमार और अभिषेक कुमार की हालत बिगड़ती जा रही है। छात्र सत्यम कुमार ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी अनशन जारी रहेगा। आज हमारे अनशन का 4th दिन है और हम लोग सारे जगह सारे कुछ अधिकारियों को अनशन का लेटर पहले ही दे चुके हैं
और चौथे दिन भी आज तक विश्वविद्यालय के कोई लोग पदाधिकारी मिलने नहीं आए। इससे ये पता चलता है कि हमारे अशोक ठाकुर का कितना बड़ा पैरवी पगाम लगा है। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बांका इकाई के बैनर तले शनिवार को समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर बांका समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय महाधरना दिया गया। इस दौरान सभी शिक्षकों को वेतन मान देने, नियमित शिक्षकों को सेवा शर्त के अनुसार सभी लाभ देने, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, वेतन निर्धारण की विसंगतियों को दूर करने, शिक्षक के परिजनों को अनुकंपा का लाभ देने समेत कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने नारेबाजी की। धरना पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि यदि सरकार मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आज के धरना प्रदर्शन के लिए ही नहीं, हमारी 7 सूत्री मांगे हैं और ये तीसरा चरण का आंदोलन चल रहा है। उसमें मूल मांगे हमारी है समान कार्य के लिए समान वेतन, नियमित शिक्षकों के भांति जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें वेतन मान दिया जाए तथा हूबहू सेवा शर्त उनका लागू किया जाए। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के भड़को गांव में बिजली का तार अचानक टूटकर गिर जाने से उसकी चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान भड़को निवासी बालेश्वरी यादव के 30 वर्षीय पुत्र दीपक यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर दीपक के परिजन एवं ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए और भड़को मुख्य मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक दीपक मजदूरी कर शाम के वक्त अपने घर लौट रहा था, तभी भड़को दुर्गा मंदिर के समीप बिजली प्रवाहित तार अचानक टूटकर गिर गया और इसकी चपेट में आने से दीपक की मौत हो गई। दीपक को 2 पुत्र एवं 2 पुत्री है और मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता था। दीपक की पत्नी मनीषा देवी पति की मौत की खबर सुनकर बदहवास हो गई और उसे अपने बच्चों की परवरिश की चिंता सता रही है। वही घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी, सीओ सुनील कुमार शाह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से जाम हटाने का आग्रह किया, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। बांका के चांदन कोरिया पक्की मुख्य मार्ग गोनाबाड़ी मोड़ के समीप तेज गति से चांदन की ओर से आ रही बोलेरो ने विपरीत दिशा से आ रहे एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गौरीपुर पंचायत निवासी रोहित कुमार सिंह एवं राजनंदन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बोलेरो चालक फरार हो गया, जबकि राहगीरों की मदद से दोनों घायल युवकों को चांदन PSC पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर देखकर PSC प्रभारी डॉक्टर AK सिन्हा ने प्राथमिक उपचार कर दोनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। बिसाड़ी पूजा को लेकर मंदिरों में डलिया चढ़ाने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूरा अंग क्षेत्र हुआ भक्तिमय। सनोखर में झारखंड के युवक की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। सुबह के समाज कल्याण मंत्री पहुंचे भागलपुर, विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर लाने के दिए निर्देश। भागलपुर में मानव तस्करी का शिकार होते 3 युवतियां हुई बरामद, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। और गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबे युवक का शव 24 घंटे बाद हुआ बरामद, परिजनों में मचा कोहराम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।